हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जो कि एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहली बात तो हम अगर देखें तो गवर्नेंस इन इंडिया ये एम लक्ष्मीकांत की बुक है टाटा मैग्रहिल की गवर्नेंस इन इंडिया ठीक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है तो इसको तो आप पढ़ें ये तो मतलब भगवद गीता है एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए ठीक है एक इंडियन पॉलिटी आती है एम लक्ष्मीकांत की एक गवर्नेंस इन इंडिया आती है तो गवर्नेंस इन इंडिया वाला ये बुक तो पढ़नी ही पढ़नी है इसके अलावा जो न्यूज़पेपर रीडिंग चलेगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन न्यूज़पेपर रीडिंग से भी आते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए आते हैं कि uh, कौन सा इंडेक्स में क्या कितनी रैंक आई किस में कितनी रैंक थी और क्या था कौन सा रैंक किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो आप डेली न्यूज़ पढ़ते रहें देखते रहें ठीक है तो उसको नोट्स बनाते रहें तो आपको वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और ये क्वेश्चन कभी कभी तो कम से कम पाँच क्वेश्चन आ जाते हैं इसके करंट अफेयर्स से रिलेटेड तो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट बैठता है एग्जामिनेशन में फिर उसके बाद में जो नितिन सांगवान सर हैं नितिन सांगवान सर की किताब है सोशोलॉजी फॉर आई ये वाली बुक भी बिल्कुल भगवत गीता की तरह काम करती है या तो अलेवन ट्वेल्थ की जो सोशल स्टडीज़ में जो सोशोलॉजी की बुक है वो पढ़ लें आप ठीक है और सबसे पहले उसको पढ़ें एन सी आर टी को और उसके बाद में फिर ये नितिन सांगवान सर की जो बुक है सोशोलॉजी फॉर आई एस एसेंशियल ऑफ सोशलॉजी बोलते हैं इसको और uh, इसका पी डी एफ भी उपलब्ध है तो अगर आप पी डी एफ में पढ़ सकें तो पी डी एफ में पढ़ें वैसे आप पी डी एफ में पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि पाँच सौ पेजों की किताब है ये तो इसमें इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे स्टैंडर्ड बुक है बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है तो बस इसकी रीडिंग करनी है आपको फिर नोट्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना है तो ये तीन काम तो आपको करने ही करने हैं हर एस्पिरेंट को करने हैं एग्जामिनेशन के लिए क्रैक करने के लिए और डेफिनेटली जो है वो एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में ये काफ़ी जो है वो हेल्पफुल जो है वो दो बुक्स और ये करंट अफेयर्स वाला ये इम्पॉर्टेंट